बाबा मोहनराम काली खोली धाम पर दर्शन करने आए फरीदाबाद के एक श्रद्धालु परिवार पर भिवाड़ी पुलिस का कहर टूट पड़ा। गाड़ी पार्किंग को लेकर हुई हल्की सी नोक झोंक हाथापाई में बदल गई और तीन पुरुष श्रद्धालुओं को पुलिस ने लाठियों से पीटा, तो वहीं महिलाओं के साथ भी हाथापाई की गई और बदतमीजी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने शांति भंग के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस दौरान महिला श्रद्धालु और उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आए। फरीदाबाद से अपने परिवार के साथ बाबा मोहनराम की ज्योत के दर्शन करने आई महिला ने बताया कि उनके ससुर एक दिन पहले ही बैंक से रिटायर हुए थे और इसी खुशी में उनके ससुर, उनके पति और जेठ सहित अन्य परिवारजन बाबा के दर्शन करने आए थे। गेट के बाहर गाड़ी पार्क को लेकर पुलिस वालों के साथ किसी बात पर कोई विवाद हो गया था। पुलिस वालों ने उनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी, साथ ही महिला श्रद्धालुओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। महिला ने आरोप लगाया कि उनके साथ आए उनके ससुर का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और वह पहले से ही बीमार अवस्था में हैं और उनके जेठ भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। पुलिस को बताने के बावजूद भी पुलिस वालों ने उनको लकड़ियों से पीटा और उन्हें जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले गए। इस दौरान पुलिस ने उनके मोबाइल भी छीन लिए। आंटी जी, आंटी जी इनसे बताओ, नीच वाले से बताओ। भैया हमारे बाबा का ऑपरेशन हो रहा है, कूले का, तो हमने कहा था भैया हमारी गाड़ी अंदर जाने दो, नई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, तो हमने बाहर पार्क कर दी, तो आके जबरदस्ती हमें गालियां दिया। मेरे पापा पे हमारे लेट में मेरे हस्बैंड का हाथ उठाया और हम चले गए हमें गाड़ी में और मार और रहे होते हैं जबरदस्ती और मार रहे हैं। कहाँ से आया? हमारे दयालपुर से, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? दयालपुर से। अभी किस किस को बैठा के ले गए? किस किस को लेके बैठा के? मेरे हस्बैंड को, मेरे जेठ को और मेरे ससुर को लेके गए। नहीं, लेडीज भी बैठ के गई? लेडीज कौन? आपको मारा? अरे पापा का तो चोट लग रही है, इनको भी मारा है, मुझे भी मारा है, सारों को मारा है, हमें इनका तो लखन से मार रहे हैं, लट्ठे ले रखी है मोटे मोटे। वहीं इस विषय पर भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फरीदाबाद से आए कुछ लोगों को गाड़ी को बाहर पार्क करने के लिए कहा गया था, जिस पर उनके द्वारा पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हाथापाई की गई, जिस पर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।